फिरोजाबाद में बंदी की मौत के बाद शुक्रवार रात 3 घंटे तक बवाल चला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। आक्रोशित भीड़ ने रोड पर खड़ी बाइकें फूंक दी, एम्बुलेंस तोड़ दी। सीओ हिमांशु गौरव और सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार को भागकर जान बचानी पड़ी। उग्र भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने घसीट कर पीटा। हवा में 6 राउंड फायरिंग की घटना में करीब 10 लोग घायल हुए। घायलों में 5 पुलिसकर्मी भी हैं। एक एसआई का सिर फूट गया। विरोध बढ़ता देख आसपास के 5 थानों से पुलिस बुला ली गई। एक कंपनी पीएसी भी आई। एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों से बात की, उन्हें समझाया, तब कहीं जाकर हालात काबू हुए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। रात में सभी को छोड़ दिया गया। आज सुबह पीड़ित परिवार को अफसरों ने 5 लाख का चेक सौंपा। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बंदी का अंतिम संस्कार कर दिया। 19 जून को बिगड़ी तबियत, 21 को ही मौत। थाना दक्षिण के नगला पचिया निवासी आकाश सिंह को पुलिस ने 17 जून को बाइक चोरी के मामले में जेल भेजा। 19 जून को जेल में उसकी तबियत खराब हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 जून को इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। एम्बुलेंस भी सड़क रोक कर करने लगे प्रदर्शन। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एम्बुलेंस ने शव को रोक कर घर ले जाते समय परिजनों ने थाना दक्षिण के हिमायूपुर चौराहे पर शव रख कर जाम लगा दिया। बीच सड़क पर महिलाएं और पुरुष बैठ गए, नारेबाजी शुरू कर दी। भीम आर्मी के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। जाम की सूचना पर पुलिस पहुंची, परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगी। इस बीच लोग एम्बुलेंस को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। पुलिस ने हटाने का प्रयास किया तो लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मौके पर भगदड़ मच गई। पथराव होता एक पुलिस टीम को उल्टे पांव भागना पड़ा।